देखिए अभी हाइड्रा के ऑपरेटर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थक गए हैं वो तोड़ते तोड़ते। अभी अपने साथी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। और ये देखिए फिर घुमाया इन्होंने, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये लगाया इन्होंने दीवार में लगाया, और अब इसको तोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर दीवार में लगा दिया, ये ऊपर ले गए। लोहे की सरिया अंदर से निकल आई है, ये देखिए कैसे टूट रहा है, ये टंकी जो है सीवेज टंकी कैसे टूट रही है। ये हाइड्रा मशीन के आगे जो एक नुकीला हिस्सा है उसको दीवार में लगा के और चढ़ा देते हैं, तो दीवार को तोड़ते हुए निकल जाता है ये। और इधर जो मलबा निकल रहा है उसके लिए एक और हाइड्रा ही है, ये इसको मलबे को उठा रही है। तो दोनों काम चल रहे हैं, तोड़ने का काम मलबा निकालने का काम। तो ये तोड़ने से जो भी मलबा निकल रहा है एक हाइड्रा निकाल रही है, तो दूसरी हाइड्रा उसको हटा रही है। ये तो ये पूरा विवरण आपके लिए दोस्तों, ये खास धाम का व्यू आपके लिए। निर्माण जो है कितना तेज चल रहा है, ये तोड़ना जारी है सीवेज टंकी का। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए जो हम आपको पशुपतिनाथ का मंदिर दिखा रहे थे उसका यहाँ पर ये बोर्ड है, और इसकी जो भव्य एक छटा है वो यहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको जूम करते हैं आपके लिए खास। ये देखिए ये मंदिर का शिखर हो गया, और यहाँ पर इसका बोर्ड लगा है नीचे, बोर्ड को जूम करते हैं। ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर ललिता घाट, ये ललिता घाट पर, और ये मंदिर का शिखर हर हर महादेव। दोस्तों चैनल पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे बेहतरीन नज़ारे आप देखिए काशी के, जो भगवान शिव की नगरी है वहाँ के आप अद्भुत नज़ारे देखिए। और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर, ये जो जेटी बनी है जेटी की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं जेटी की ओर, ये देखिए और लोग भी जा रहे हैं जेटी की ओर। तो अब ये क्या है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो बीच में बांस बल्ली लगे हैं, अब उसके नीचे से रास्ता बनाएंगे। ये देखिए निकल गए नीचे से और ये आगे आ गए, तो जेटी की तरफ अब हम जा रहे हैं। और पत्थर बिछाने का काम चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोई वृक्ष था तो उसको हटाया गया है पत्थर बिछाने के लिए। और ये गंगा माँ बगल में ही, एक नाव वाले अपने नाव लेके जा रहे हैं, और एक जो सवार उनसे बात कुछ करने जा रहे हैं कि कितने पैसे में घुमाएंगे वगैरह वगैरह। ये देखिए फिर हम एक बार आपको दिखाते हैं श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। ये देखिए जूम कर दिया थोड़ा, हमने और जूम कर दिया तो आप शिखर देख रहे हैं जो पेड़ के पीछे आ गया है, और ये है बोर्ड और साफ दिखेगा। तो ये आपका ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ मंदिर, हर हर महादेव। और ये जेटी पे हम पहुंच गए, देखिए दोस्तों जेटी पे लोग टहलते हुए आ रहे हैं, इधर से भी यात्रियों का जो तीर्थयात्री हैं और जो श्रद्धालु हैं और जो पर्यटक हैं उनका आगमन शुरू हो गया। ये जेटी पे देखिए आ रहे हैं, ये किनारे माँ गंगा है, वहाँ नाव से उतरकर और जेटी पर चलते हुए रैंप पर, जेटी का जो रैंप है उस पर चलते हुए आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं रैंप की तरफ, जो जेटी का रैंप है जेटी पर पूरा जाके हम आपको दिखाएंगे, हर हर महादेव। ये देखिए ये हम आ गए जेटी पर, ये देखिए ये देखिए हम सीधे आगे जा रहे हैं जेटी पर।
और ये मशीन जो है क्रेन है, ये पत्थर बड़े बड़े उठाकर यहाँ लगाने के काम में आ रही है। और ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है, निर्माण देखकर आदमी दंग रह जाए कि किस तत्परता के साथ, किस तेज़ी के साथ धाम का जो है निर्माण चल रहा है। यहाँ देखिए, ये हम चल रहे हैं जेटी के रैंप पर, नीचे एक तरफ जा रहा है माँ गंगा की तरफ, और यहाँ से थोड़ा एक कर्व है राइट में, थोड़ा हल्का सा कर्व है। ये हमको लगता है लगभग कितने डिग्री का होगा, लगभग 15 डिग्री का कर्व है यहाँ से राइट साइड में, और यहाँ पे हम आ गए। तो ये आगे धाम का जो अप्रोच जेटी है, अप्रोच रैंप है, वहाँ हम आ गए। और यहाँ पे देखिए लोग नाव से, नाव जा रही है तो ऐसे ही नाव से यहाँ आकर लोग उतरेंगे, या यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, गंगा स्नान किया उसके बाद सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से होते हुए मंदिर चले गए। तो इसका मूल भावना यह है कि जो तंग गलियों से, भीड़ भाड़ से, उसमें जानवर भी घूमते थे, वहाँ से लोग जाते थे, तो अब उसको अवॉइड करके सीधे एक चौड़े रास्ते से, कॉरिडोर से मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और देखिए हमारे एक भाई जो है गंगा स्नान कर रहे हैं, ये देखिए इतना सुख तो किसी को नहीं मिलता। ये देखिए, वाह, डुबकी लगा ली, ये ऊपर आए, ये तैरने में माहिर लगते हैं क्योंकि ये गहरे पानी में तैर रहे हैं। हर हर महादेव। और इधर एक देखिए बजवा टाइप की छोटी नाव है, इसमें एक सैलानी का ग्रुप समूह आ रहा है। तो ये है क्या नज़ारा। और देखिए बड़े गेस्ट हाउस भी हैं, इधर एक गेस्ट हाउस दिख रहा है ठहरने के लिए, जो है गेस्ट हाउसेज है बहुत सारे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लिखा हुआ ये है, घाट पर गंदगी न फैलाए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं बनारस में। दोस्तों अब आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए टूटी हुई टंकी, ये अब गिरने ही वाली है, आज दिन में तो ये जमींदोज हो जाएगी, समतल हो जाएगी। और पीछे भगवान सूर्य, तो ये नज़ारा है। अब हम सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हुए आपको एक टूटी हुई टंकी दिखा रहे हैं, देखिए। हम इस टंकी के दूसरे तरफ आ गए हैं और हाइड्रा मशीन जो है पीछे की तरफ हो गई, और जो हाइड्रा मलबा उठा रही थी वो इधर खड़ी, ये मलबा हटाने के लिए। तो ये टूटी हुई टंकी, और ये हम आपको दिखा चुके हैं, ये मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है।